आजा मैं हवाओं में उड़ा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दो। ये वो बोट है जो आपको लेके जा रही है रस्सी से बांध के, और पीछे आपके ये पूरा व्हाट्सअप गाइस, दिस इज बॉबी बट बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज अचानक मेरा प्लान बन गया है जाने का कहीं टूर के ऊपर, और अभी मैं जिस जगह जा रहा हूँ अभी आपको रिवील नहीं करूंगा मैं। अभी हमारी जो है बस जो है वो रेडी हो चुकी है और सारे जो है बस के अंदर बैठ रहे हैं, ये पूरी कोस्टर तैयार है। सो अभी जल्दी से जाना है टूर पे। मैंने कहा थोड़ा सा माइंड फ्रेश करें, थोड़ा सा डिफरेंट करें, अपना ध्यान थोड़ा और तरफ लगाएं, वही प्रैंक कर करके वही लाहौर में घूम घूम के जरा माइंड जो था ना वो थोड़ा फक्ड अप हो गया हुआ था। तो मैंने कहा जरा अच्छा ना कोई थोड़ा बहुत तो चेंज किया जाए। तो अब चेंज करने के लिए हम जा रहे हैं नॉर्दर्न एरिया। अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों को, और समझना मैं फकी बेचन आया। अपनी सीट पे बैठते हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ जाना हमने सर। मजे से जाएंगे, ठीक है, एंजॉय करेंगे पूरे। भाई शुगर मेला करना है, इंजॉय करते हैं, ठीक है ना। एक दिन के लिए आए हैं तो फन करेंगे सारे मिलके हैं। बस मेरा व्लॉग अच्छा बना देना है तुसी। बस मेरे यार यही कोई 3.5 लाख बॉबी भट्ट के नाम से। अच्छा मेनू जानते ही नहीं है यार, किड्डा मैं डन हो गया। ओ क्या करो भाई, फाइनली हमारी गाड़ी चल चुकी है और अब हम रवा दवा है अपने सफर की तरफ। दुआ पढ़ने सारे सुभान अल्लाह सखर लना हाजा व मा कुन्ना लहु मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। काला चश्मा, काला 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 चाय चुई वाला कोई सीन नहीं है। तो भाई फाइनली चाय मिली गई है, कहीं ना कहीं हम रुके हैं वहाँ से, हमें चाय का जुगाड़ हो गया। तो फाइनली हम अम्ब्रेला वाटरफॉल के ट्रैक के ऊपर पहुँच चुके हैं, और मैं थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मैं वॉशरूम वगैरह गया था, बाकी सारे नीचे चले गए। अब मुझे अकेले अकेले जाना है। आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, सीन क्या है ये चेक करें। माशाल्लाह रास्ता कितना खराब है। ओए तौबा, चलो चलो चलो, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैक्सिमम मौत है। ये रास्ता है यार छोटा सा, और ये खाइया नीचे, यहाँ जो बंदा गया वो बंदा सीधा अल्लाह मियाँ के पास जाएगा, नीचे पहुंचेगा ऊपर। हल्का सा पाँव फिसला ना, रगड़े रुगड़े पक्की है, नजर आने लगा भाई इतना खतरनाक है यार ये ट्रैक। अब ये देखो, ये देखो, ये पत्थर, सारे पत्थर, और ये यहाँ से ऐसे जाना नीचे। ये मजा लो, ये है आबशार। हाय 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 हाय, मजा आ रहा है। ये होते हैं, इसको कहते हैं नज़ारे, इसके लिए सारे कष्ट किए जा रहे हैं। भाई चल चल के हमारी बैंड बज गई है, अभी भी यहाँ से नीचे वो घूम के जाना है, और वो सामने पानी नजर आ रहा है आपको, और आबशार दिखाता हूँ आपको, वो आबशार है वो इतनी दूर, अभी हमने वहाँ जाना है। देखे ना ऐसे दोस्त होने चाहिए, ऐसे चश्मे खोल नजारा चेक करो गाइस, ये है नजारा। हाय 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 हाय, वो चेक करो, आ रहे आ रहे, आस्ता आस्ता सबर का फल हमें नजर आ रहा है। अब यहाँ से रस्सी आ गई है, ये रस्सी को पकड़ पकड़ के नीचे जाना है, पकड़ के रखना। ये देखो ये सीन है, ये चीज, इस चीज का इंतजार हो रहा था सबसे ज्यादा। ये चेक करो,
और ये वो आबशार थी जो ऊपर से नजर आ रही थी सारी, वो ठंडा पानी है। ये रास्ता है, यहाँ से आए हम नीचे और आप चेक करो। हाँ यार एक मिनट पकड़ना, मैं आ गया हूँ पानी के अंदर और ये पानी का बहाव इतना तेज है ये मुझे पीछे लेके जा रहा है। ऊपर से पानी गिर रहा है ये और ये ऐसे नीचे आ और ये वहां से भी ऐसे 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 ये ऐसे इतना तेज पानी है मेरा पाँव लग रहा है मैं नीचे चला जाऊंगा। दिस इज ऑफ यू गाइस, ये देखने के लिए हम इतना खजल सवार हुए पर पानी इतना इंतहाई शदीद ठंडा तरीन है ये बहुत नहीं करी यार यहाँ से भी चेक। ये ऐसा व्यू, मैं ये पानी यहाँ से भी आ रहा है, ये मैं पत्थर के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से भी बस भाई इससे ज़्यादा मैं नहा नहीं सकता। ये देखो ये है सारा व्यू, वहाँ से आए हम वहाँ से भाई यहाँ से ऊपर जाना आप देख रहे हो आप कितना मुश्किल है। फाइनली कुछ सफर हमने ऊपर का तय कर लिया और अब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ और ये बड़ा मुश्किल है ऊपर चढ़ना। फाइनली हम ऊपर आ गए हैं, हमारी बस वो खड़ी है तो गाइस चेंज कर लिया, अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने। यार मस्जिद कहाँ पे है? बस ठीक है, जल्दी से नमाज पढ़े। नमाज वगैरह हमने पढ़ ली, अब हमने अपने ड्राइवर को उठाना है। कहाँ पे सोया अंकल, कहाँ पे सोया है? वहाँ पे नीचे। चलो भाई ड्राइवर को उठाएं जाके, सारे बैग है ना गड्डी से, बिस्मिल्लाह करो। अब ड्राइवर को उठा लिया, वो अब जल्दी से आ जाएगा, अब जल्दी से गाड़ी में बैठेंगे फिर जाएंगे अपने अगले सफर की तरफ। थक तो मैं भी गया। हमारा एक और जगह स्टे हो गया है, ये है खानपुर डैम। इधर तो दुबई लिखा हुआ है। हैं? मैं दुबई आ गया हूँ क्या? खानपुर डैम आया हूँ। ओए भाई क्या कश्तियाँ खड़ी हैं, दुबई वाला मॉल है। पर है ये खानपुर डैम दुबई नहीं है, इन्होंने दुबई लिख के लगाया अट्रैक्शन के लिए। ये है भाई खानपुर डैम का व्यू, चेक करो जरा। सो गाइस आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है डबल ए ट्रैवल ने, जिनके साथ मैं आया हूँ तो इनके कॉन्टैक्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाले हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं सेफ एंड सिक्योर तो आप इन लोगों से रब्ता कर सकते हैं, मैं भी इनके साथ आया हूँ। सो काइंडली जाके इनके नंबर पर विजिट करें और पूरे पाकिस्तान के अंदर जब भी आप विजिट करना चाहते हैं इनके साथ जा सकते हैं। अब्बर शे ये इन्ना बात, अब मैं पहनूंगा जैकेट, अपनी लाइव जैकेट्स पहन ली हैं। अब हम लाइव आएंगे, लाइव नहीं आएंगे, अब हम बोट्स के अंदर जाएंगे। भाई हम बोट्स के अंदर बैठ चुके हैं, अब हम जाएंगे पूरा खानपुर डैम घूमने। दूसरे किनारे के ऊपर क्या सीन है भाई, ऐसे ही मैंने भी लटकना है। वो हमें बोर्ड ले आई है दूसरे किनारे पे, पहले हम उस साइड पे थे वो वाली साइड पे, अब हम दूसरी साइड के ऊपर आ गए। टेरा सीलिंग करने लगा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है मेरा कि मैं अगर ऊपर जाके मर गया तो इनकी जिम्मेदारी नहीं। एंजी वापसी पे जब भी आपको आवाज मिलती है राइट खेचो, आपने ये टेप वाला बेल्ट दोनों हाथों से नीचे खेच डन करें। चलो ये चीज चेक करो यहाँ से, वो भी बड़े आसमानों के अंदर आपको सही नजर आएगा कि मैं किस तरीके से लड़का हूँ यहाँ पे। ये चीज ये मजे यार, कसम उधा की इतना मजा आ रहा है और बिल्कुल डर डूर नहीं लग रहा, कोई ऐसे लग रहा है जैसे बड़ा नॉर्मल सा सीन है। ये वो बोट है जो आपको लेके जा रही है रस्सी से बांध के, और पीछे आपके ये पूरा ये जो गुब्बारा है ये क्या इसको कहते हैं जो भी है ये, मुझे इसका बार बार नाम भूल रहा है। आजा मैं हवाओं में उड़ा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है, इसको वो करता हूँ नेक्स्ट में करता हूँ दोबारा। चलो भाई अब आ रहे हैं मजे, बॉबी बट हवाओं के अंदर हो गया है, कमाल का व्यू आ रहा है भाई। हाँ भाई बताओ खींचनी है, कब खींचनी है? वो भाई बताते हैं जब खींचनी होती है, मजा आ रहा है। ओके नीचे आ रहा हूँ मैं, अरे यार कैसे मजा आ गया।
बहुत ही ओ यार बहुत मजा आया यार, कसम से बहुत मजा आया। साइड में कैसे होना, ओए होए 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 भाई लेवल है यार, कसम से लगता है आप पता नहीं आसमानों के अंदर आ गए। बड़ा मजा आया, मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा, जरूर करेंगे। एक मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं हेलीकॉप्टर के साथ लमका हुआ हूँ और जा रहा हूँ हवा के अंदर। आप लोग भी जरूर ट्राई करें, बड़ा मजा आ रहा है। दुबई वगैरह में अक्सर ऐसी चीजें होती हैं, पर पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह की कोई चीज है तो उसको जरूर एडवेंचर करना तो चाहिए। फाइनली हमने सारी चीजें कर ली है, अब हम जा रहे हैं दोबारा बोट में। फाइनली हमने सारी राइडें रूटे ले ली हैं, अब हम जाने लगे हैं वापस गाड़ी के अंदर। और बड़ा मजा आया यार, कानपुर डैम भी अच्छा एडवेंचर था, काफी चीजें की हैं यहाँ पे और चीजें भी। रेट महंगा था? अरे नहीं आप आए मुनासिब रेट होगा, आप 2500 में पैरासीलिंग कराएंगे बोट राइड। पैरासीलिंग मैंने 3000 में की है। आपने 3000 रुपए में किया, जब अगली दफा आएंगे आपको 2500 में कराएंगे। जुबान है। सारी चीजें कर ली हैं, अब हम जाएंगे वापस गाड़ी के अंदर, बैठे हैं, आप रोटी शोटी खाएंगे इस्लामाबाद जाके, उसके बाद घर वापस जाएंगे।